आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नेताजी का रोड शो पहुंच चुका है देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और इस वक्त हम मौजूद हैं पीसीसी कार्यालय पर, और आज खास बातचीत होगी उनसे जिन्हें मैदान में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है। अरुण श्रीवास्तव जिनका नाम है, पेशे से वकील हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अनुभव अच्छा रखते हैं। साथ ही साथ देखिए 35 साल से जो कांग्रेस कोशिश कर रही है इस किले को हासिल करने की, वो कोशिश आखिर इस बार कितनी कामयाब होती है और कितने आश्वस्त हैं कांग्रेसी, इसको लेकर के ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अब ये भी देखिए, ये वो सीट है जहां पर दिग्गजों ने, अपने सारे दिग्गजों ने हाथ पीछे कर लिए यहां पर खड़े होने से, और उसके बाद दिग्विजय के करीबी को मैदान में उतारा गया। आखिर ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण इन नेताजी के लिए होगा, बेबाकी से उनसे सवाल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं जिन्हें मैदान में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है, अरुण श्रीवास्तव जी हैं। आखिर कितनी चुनौती इनके सामने है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का फीडबैक लोगों से मिल रहा है, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से 35 साल से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं मैदान में आ जाए, सत्ता में आ जाए। आखिर किस तरह से देख रहे हैं, फीडबैक कैसा मिल रहा है आपको? आपने कहा भोपाल का, हिंदुस्तान का दिल भोपाल है, और हिंदुस्तान का जो दिल भोपाल है, यहाँ से एक आवाज उठ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। मुद्दे एक अलग हैं, मुद्दे संवैधानिक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे उंगली उठाई गई है, लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास करने पे उंगली उठाई गई है, और बेरोजगारों के लिए कोई योजना सेंट्रल में नहीं है, और हमारे यहाँ बेरोजगारी है, और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप चले जाओ भोपाल के, जो भोपाल है हिंदुस्तान के दिल में BHEL है, और उसकी हालत क्या है, 28,000 कर्मचारी सन 1964 में काम करते थे, आज वो 5400 रह गए हैं। भोपाल का दिल इन्होंने छोटा करते जा रहे हैं, अब वो दिल बड़ा हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पर जो नेता हैं आपकी पार्टी से छोड़ करके जा रहे हैं, वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए हमारे जो नेता छोड़ के गए हैं उससे हम लोग बहुत मजबूत हो गए। विजन ये था कि उनका दिल और दिमाग एक सरीखा नहीं था। आपका विजन क्या है? हमारा दिल भी है और दिमाग भी है, सब एक रास्ते पर चलता है, लेकिन जो छोड़ के गए हैं उनमें दिमाग ही दिमाग था, बस दिल नहीं था। विकास के रूप में आपने क्या क्या है इस बार? विकास के रूप में IT हब भोपाल में आना चाहिए, ये BHEL का एक्सपांशन होना चाहिए, OPS जो है स्कीम लागू होना चाहिए, 1,00,000 जो कर्मचारी सेवा में रहते हुए बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, फिर से उनको प्रमोशन देने तो वो बढ़ जाएगी। और गैस पीड़ितों की सबसे बड़ी लड़ाई भोपाल के 36 वार्ड गैस पीड़ित घोषित किए गए, यह आश्वासन दिया गया था कि पूरे भोपाल को गैस पीड़ित घोषित किया जाएगा। इंटरनेशनल रिपोर्टें जो मेडिकल की हमारे पास में है, गैस पीड़ित एक आदमी नहीं होता, उस तीन पीढ़ियां प्रभावित होती। इस बार का चुनाव पिछली बार के मुकाबले आसान मान रहे हैं, क्योंकि आप भी नए हैं मैदान में, आलोक शर्मा भी नए हैं। पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग है। इस समय जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, इस समय का चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे जो उंगली उठाई गई है उसको बचाने के लिए हो रहा है। इस समय का चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अन्याय के खिलाफ है। किसानों के साथ मध्यप्रदेश में वादा खिलाफी की गई है, 2700 रुपये कुंटल गेहूं को देने का सोसाइटी में तोलने का बोला गया था, आज 2400 भी नहीं तोला जा रहा है, मंडियों में 2000 मिल रहे हैं, MSP लागू नहीं है मध्यप्रदेश में, बहुत सी फसलें जिसमें MSP नहीं है, ये सब किसानों के साथ झूठ बोला गया। सबसे ज्यादा अत्याचार है तो महिलाओं पर किया गया। अगर हम बाकी चीजों को उठा करके देखें, चलिए आप दिग्विजय सिंह के सबसे करीबी हैं, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा उठता है, सबसे पहले तो हम इसका जिक्र कर लेते हैं, गुरेज करते हैं दिग्विजय सिंह श्री राम बोलने में, वो कहते हैं मैं तो जय सिया राम ही बोलूंगा, आप क्या बोलते हैं? हम भी है, राम तो हमारे आराध्य है, और राम के बिना हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, और राम का हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों अनंत कार्य से हम पूजन करते चले आ रहे हैं, हम सनातनी हैं,
हम हमारा धर्म सनातन है और सनातनी राम से दूर कभी हो नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ है कि राम के नाम पे हम वोट नहीं मांग, भगवान के नाम पे नहीं मांग सकते, वो मांग सकते, वो उनका अधिकार है, लेकिन हमें ये अधिकार राम भगवान ने नहीं दिया है कि हम उनके नाम पे वोट मांगें। ठीक है, और चर्चा करेंगे सर। सर पेशे से आप वकील भी हैं, CAA को आखिर किस नजर से आप देखते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को आप आखिर किस नजरिए से देखते हैं? भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें बड़ी साफ बात है, ये जो बॉन्ड दवा की कंपनियों को बेचे गए और मोटरसाइकिल कंपनियों को बेचे गए और वाले वो जो कंपनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती उन उनसे खरीदे गए लिए गए, जो कंपनी 600 करोड़ रुपए बीजेपी को देती है और दूसरे रोज 20% उसके दवा का भाव बढ़ जाता है, स्कूटर मोपेड की जो कंपनी की यूनियन है जो 1000 करोड़ रुपए लगभग देती है तो हर स्कूटर मोपेड का 30,000 रुपए दूसरे रोज कीमत बढ़ा दिया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्पज क्या है, पर्पज भी देखा जाए, एक तरफ ये बोलता है बोला जाता है कि इलेक्शन में काम आएगा, आज के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, ये समस्या हमारे सामने आई। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा ये हुआ कि हमने एक कार्यक्रम चलाया एक नोट एक वोट, हम जनता 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए कोई 50 रुपए कोई 500 रुपए ऐसे करके हमें पैसा मिल रहा है, हमारा चुनाव पूरा चल रहा है। तो इस देश में ये फक्कड़ों का देश है, इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का एक गड्ढा है। हम राम मंदिर पे बात कर रहे थे सर, राम मंदिर पे न्योता दिया गया, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर राम मंदिर राहुल गांधी चले जाते तो शायद अच्छा होता? एक बड़ा मौका जो बीजेपी को आपने दे दिया, क्योंकि हर सभा में बड़े से बड़े नेता चाहे वो PM हो चाहे और कोई नेता हो राजनेता हो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये राम के विरोधी हैं। भाई राम मंदिर का एक आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने चलाया, उनको न्योता दिया गया का न्योता तो लो लेकिन तुम आना मत, न्योता लो तुम आना मत, ये कौन सा न्योता है? न्योता दिया जाता है और आप आना मत। दूसरा, भगवान के किसी भी कारज का कोई न्योता नहीं होता, हमेशा सूचना होती है, ठुकराने की बात ये बीजेपी की बात है, कांग्रेस जनों की हमेशा से राम के प्रति आस्था रही है और उस आस्था में किसी भी प्रकार की गलत बातें जो उठाई जाती हैं बीजेपी की तरफ से वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा देश आने वाले चुनाव में इसका जवाब दे देगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत लोगों में आपकी अच्छी पकड़ है, लोग पसंद भी करते हैं आपको, आखिर उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? विकास हो रहा है, डेवलपमेंट भोपाल में हो रहा है, कई ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां तक ये विकास पहुंच चुका है, पर उन लोगों तक आखिर कैसे पहुंचेगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे उनसे ये जुड़ेंगे? भाई भोपाल से जो लगा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इरिगेशन नाम की चीज एकदम नहीं है, ना कोई नहर है ना कोई इरिगेशन का प्लान है, क्या इसको हम इरिगेटेड पूरे के पूरे क्षेत्र को हम इरिगेशन के क्षेत्र से जोड़ेंगे और साथ में एग्रो बेस इंडस्ट्रीज हम लगवाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, टमाटर होता है तो टमाटर सॉस बनाने का, संतरा होता है तो उसका जूस बनाने का, क्या एग्रो बेस इंडस्ट्री हम लाना चाहेंगे और उससे जैसे दो, एक तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होगा और दूसरा लोगों को फायदा भी मिलेगा। आखिर जिस तरह से जिक्र चल रहा था कि किसी बड़े नेता को मैदान में उतारा जाए,
ये बार बार सवाल आता है कि जब चुनाव की बारी आई है और बड़े बड़े नेताओं को उतारने की बारी आई कांग्रेस में, तो सभी नेताओं ने हाथ पीछे कर दिए, कोई भी नेता आगे आने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद जाकर के फिर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे करीबी अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारो। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? एक प्रश्न ये आया था कि बड़े नेता को मैदान में उतारा जाए, तो सबकी निगाह, हम लोगों की निगाह सुरेश पचौरी जी पे थी और हम जब तक कांग्रेस में थे उनको अपना नेता मानते थे और हमें उम्मीद थी कि सुरेश पचौरी जी भोपाल का मैदान संभालेंगे। लेकिन जब वो एकदम चले गए बीजेपी में, पता भी नहीं चला। रात को तो मैं मिला था, कुछ हवा नहीं है, सुबह बीजेपी में चले गए। उसके बाद एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कांग्रेस के सामने, तो क्या एक ऐसे कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाए, पूरे भोपाल को, पूरे भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र को, और कांग्रेस जनों की भावनाओं को समझता हो। वो मैंने तो अपना बायोडाटा भी नहीं दिया था कि मैं इसको लोकसभा लड़ना है, लेकिन एक बड़ा मंथन हुआ दिल्ली में और ये मंथन हुआ हमारे जीतू पटवारी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब बैठे दिल्ली में, इन दो लोगों के बीच में मंथन हो की नाम आया। इस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी, हमारे नेता जी जो दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने पूरी अपनी सहमति दे दी, ये आया। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि कांग्रेस में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, चूंकि अब युवा चेहरे के हाथ में कमान है, जीतू पटवारी जी के हाथ में कमान है, क्या लग रहा है उनके साथ विकास की धारा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या, या जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं बुरा मान रहे हैं, ऐसा कुछ माने? सब बड़े नेता, मेरा नामांकन था, अरुण यादव जी खंडवा से चल के आ गए, कटारे जी आ गए और सभी नेता लोग, राइट, सभी नेता लोग आए, जगह जगह लोग गए, बस सबका समर्थन जीतू पटवारी जी के साथ में बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। दिग्गजों के आने की कोई तैयारी भोपाल में आपके लिए, और अभी तक कोई दिग्गज आए या आने की तैयारी, ऐसा कुछ? आ सकती है प्रियंका गांधी जी, मेरी बात हुई, वो आ सकती है, और हमारे बड़े दिग्गज दिग्विजय सिंह जी बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी रोज भी आ जाएंगे, जो दिग्गज आएंगे चाहे कोई भी आएगा। हमारा मुद्दा ये देखो आप, स्मार्ट सिटी, ये देखो आप, स्मार्ट सिटी के रेंज में वो बिल्डिंग नहीं है। यहाँ जितना भी नीचे आप जाएंगे, ये दो रोडें बना करके 1000 करोड़ रुपये निकाला गया और 5 साल, जो 5 साल 2014-19 में होना चाहिए था, आज 2024 में भी वो काम नहीं हो पाया है। ये देखिए आप, पूरा स्मार्ट सिटी की देखिए हालत। पर बीजेपी तो आक्रामक है, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती। मैं सांझ को काहे कहां, आपको तो मैं लाओ स्मार्ट सिटी का जो इलाका है पूरा, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। मैं झाड़ियाँ पड़ी है, सुनिए, अब तक तो बिल्डिंगे बन रही थी, क्या होना था, दुकानें बन रही थी, सब होना था, लेकिन स्मार्ट सिटी के हालात तो देखो आप। हाँ, मैं सारी तस्वीरें देख रही हूँ, जनता भी देखेगी, जो हम तस्वीरें दिखाएंगे, हाँ, जो तस्वीरें हैं वो हम जनता को भी दिखाएंगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आक्रामक मूड में बीजेपी है और कुछ भी सकारात्मकता वाली चीज कांग्रेस की नजर नहीं आ रही, जब अब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आखिर इसे किस तरह से हम देखें, और जिस तरह से लगातार इतने बड़े बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर पार्टी को कर रहा है। पार्टी कमजोर हुई नहीं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये एक दो नेता के जाने से पार्टी मजबूत हुई है। और पार्टी मतलब इसे कांग्रेस पार्टी एक मॉस बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। अगर आरएसएस से मोहन भागवत चले जाएंगे तो थोड़ा उन पर असर पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस पे नेताओं का नहीं असर, ये मॉस बेस्ड पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता जो है सबसे मजबूत कार्यकर्ता कांग्रेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ, खास बातचीत की, इतनी व्यस्तताएं आपके साथ हैं चूंकि चुनाव सर पर हैं, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो कई सारे दावे और वादे, इतना लंबा समय है बीजेपी शासन कर रही है, फिर भी प्रयास जो है कांग्रेस की तरफ से जारी है, और साफ तौर से यही कहना है कि हम जीत हासिल कर करके रहेंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 3 दशक से जो किला बनाया हुआ है, जो सत्ता में काबिज है बीजेपी, क्या ये हाथ उस कमल को उखाड़ फेंकता है, ये वक्त बताएगा।